ज्ञान वैराग्य युक्ते न भक्ति योगे न योगिनः क्षेमाय पाद मूलम में प्रविशन त्यकुतो भयम्। किस उपाय से योगी जन भक्त जन मेरे पास आते हैं, तो कहते हैं भक्ति योगे न, भक्ति योग से योगिनः में पाद मूलम प्रविशन्ति, भक्ति योग से भक्त मेरे धाम में आते हैं, मेरे चरण कमल में आ जाते हैं। कैसी भक्ति? ज्ञान वैराग्य युक्तेन, जिस भक्ति में ज्ञान है, वैराग्य अपने आप है। भक्ति भक्ति जब भगवान के चरणों में की जाती है तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाता है, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च जतः हेतुकम्। तो भक्ति योग के द्वारा भक्त जन मेरे अभय चरण कमल में आ जाते हैं। अतः इस अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान सिद्धांत बताते हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगे न मनोमय्यर्पितम स्थिरम। हे मां, इस लोक में किसी भी मनुष्य के लिए एक ही लक्ष्य है, एक ही सबसे बड़ा लाभ है, कल्याणकार कल्याण का स्वरूप है या कल्याणकारी साधन है या साध्य है, एक ही इतना ही कि तीव्र भक्ति योग करके अपने मन को मुझ में अस्थिर कर देना है, मेरे रूप में मेरी लीला में मन फंस जाए और न जाए, यही है परम लाभ। मनोमयी अर्पितम स्थिरम, मन चारों तरफ से हटा करके मेरे रूप में मेरे गुण में लीला में लग जाए, बस यही है जीवन का लाभ, यही है सबसे बड़ा कल्याण। अब ये कैसे होगा? भक्ति योग से होगा, तीव्रेण भक्ति योग है ना, और फास्ट भक्ति योग मतलब प्रेम से और निरंतर भक्ति करके मन को मुझ में समाहित कर देना, लगा देना मेरे रूप में, यही है जीवन का फल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।